26 अक्टूबर को एक लूट की घटना हुई थी थाना पनवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें लगभग 1,32,000 रुपए 3 लोगों के द्वारा लूटे जाने की सूचना कंप्लेनेंट के द्वारा दी गई थी। इस संबंध में मेरे द्वारा टीमों का गठन करके और इसके अनावरण के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए थे, जिसके अंतर्गत ये आज ये सफलता प्राप्त हुई है और थाना पनवाड़ी और हमारी स्वाट टीम ने इसमें सफलता प्राप्त करी है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और लूट के लगभग 43,500 रुपए और जिस बैग के साथ पैसे लूटे गए थे वो बैग बरामद हुआ है और इसमें एक अभियुक्त अभी फरार है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करके और शेष रुपयों की बरामदगी की जाएगी। आरोपियों के पास से क्या बरामद किया गया? ये आरोपियों के पास से लूट के पैसे और लूट का जो बैग था वो और उसके साथ 2 जो कट्टे हैं वो बरामद किए गए हैं और इसके साथ जो शेष धन राशि है वो अभियुक्त जो फरार है उसके पास है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करके और बरामदगी का प्रयास किया जाए। क्या ये अंतरजनपदीय गैंग है जो इस तरह की घटना? हाँ, इसमें जो 3 अभियुक्त हैं वो जनपद हमीरपुर के रहने वाले हैं और इनके पहले से भी आपराधिक इतिहास है। तो ये अभी दूसरे जनपद के रहने वाले हैं और वहाँ पे इनका आपराधिक इतिहास भी है और इसमें अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। खुलासा करने वाली टीम को क्या इनाम दिया? हाँ, खुलासा करने वाली जो मेरी टीम है उसको 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। Thank you.